आज ये तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पर मैं ललितपुर तहसील में हूँ और जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको हम लोगों के द्वारा सुना गया। जो हमारे जितने भी यहाँ पे थाना प्रभारी और सीओ साहब मौजूद हैं तो उनसे बात हुई, पुलिस की कोई भी पेंडेंसी इस समय नहीं है और हम लोग के द्वारा जो शासन के निर्देश हैं उसके अंतर्गत हम लोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी निस्तारण हो वो प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और क्वालिटी गुणात्मक निस्तारण पर ध्यान दिया जाए। हमें संख्या बल पर जो है उस पर कम ध्यान देना है। हमें जो है जो भी कार्रवाई हो इस प्रकार की होनी चाहिए कि पब्लिक की जन सुनवाई हो और पब्लिक को संतुष्टि मिले। इसके साथ साथ हमारी अधिकारियों से बात हुई है, हम अपराध नियंत्रण के साथ साथ जो हमारा पुलिस का जो वेलफेयर है, अपने कर्मचारियों की जो बैरक्स हैं और अनावासी आवासीय भवनों के संबंध में भी हमारी विस्तृत रूप से बात हुई है। तो जो भी निर्माण कार्य होने, हम चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल यहाँ पर, जो शासन और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के निर्देश हैं, एक अच्छा माहौल जो है हमारे कर्मचारियों को मिले ताकि उनका आउटपुट वो बेहतर जो है रिजल्ट्स जो है दे सकें। सर, आज के तहसील दिवस में पुलिस से संबंधित क्या प्रार्थना पत्र आए हैं? जी, पुलिस से संबंधित जो है प्रार्थना पत्र आए हैं, कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं और उसमें हमारे द्वारा जो है कुछ प्रकरणों में सर्कल अफसर को निर्देशित किया गया जाँच करके कार्रवाई करने के लिए, कुछ में थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है और इन सभी में ये भी निर्देश दिया गया कि इनका निस्तारण जो है प्राथमिकता के आधार पर और सही निस्तारण किया जाए।